कलर पोर्ट्रेट सभी को पसंद है, सभी ड्रॉ भी करना चाहते हैं। इशू कहाँ पे आती है? इशू आती है ब्लेंडिंग में, जब हम मल्टीपल कलर्स को हम एक शेड में बनाते हैं और जब हम ब्लेंड करने जाते हैं ना तो इशू वहाँ पे आती है। जैसे कि हम फिंगर से भी ट्राई कर रहे हैं, ब्लेंड नहीं हो रहा है। दूसरे ब्लेंडिंग टूल से भी अगर हम टिश्यू पेपर से भी ट्राई करते हैं तो भी नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक टेक्निक निकाला यहाँ पे, आपको यहाँ पे पाउडर में कन्वर्ट करना है इसको, और कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉफ्ट जेंटली आपको फिंगर से इसको हल्के से ब्लेंड करना है। देख लो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हुई है। इसके बाद आप जितने कलर चाहें ना उसको आप उस पर ओवरलैप कर सकते हैं, उसको ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ होगा। आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो। इससे मैंने कई सारे आर्टवर्क बनाए इसी टेक्निक को यूज़ करके, आपको पाउडर में कन्वर्ट करके आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। ये टेक्निक कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।